पानीपत के सेक्टर 18 स्थित राधा स्वामी सत्संग घर में मुख्यमंत्री मनोहर लाल की घोषणा के अनुसार मीडिया कर्मियों तथा सूचना जनसंपर्क एवं भाषा विभाग के कर्मियों को कोरोना संक्रमण से बचाने के लिए वैक्सीनेशन कैंप का आयोजन किया गया। तो वैक्सीन लगवाने से पहले थोड़ा सा डर लग रहा था कि पता नहीं हम बाहर निकलें और सेफ ना रहें, बट अब वैक्सीन लगाने के बाद भी जैसे मोदी जी ने बोला कि आपको मास्क लगा के रखना है और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके रखनी है। और मेरी सबसे रिक्वेस्ट है जो भी 18 प्लस एज के हैं वो जितनी जल्दी हो सके वैक्सीन का स्लॉट लें और जल्दी से जल्दी आके अपने खुद भी और अपनी पूरी फैमिली को वैक्सीन लगवाएं। उपायुक्त धर्मेंद्र सिंह ने वैक्सीनेशन कैंप का दौरा किया और उनकी मौजूदगी में मीडिया कर्मियों उनके परिजनों ने कोरोना वैक्सीन लगवाई। मीडिया सेंटर संचालन समिति के कैशियर राकेश भयाना इस मौके पर पहुंचे और बताया कि चूंकि पत्रकार महामारी के दौरान फ्रंटलाइन वॉरियर के रूप में काम कर रहे हैं, समाज और आसपास की खबरें और सूचनाएं लोगों तक पहुंचाने में पत्रकारों की अहम भूमिका है, इसलिए पत्रकारों और उनके परिवार के लिए वैक्सीनेशन कैंप आयोजित किया गया है ताकि वर्तमान परिस्थितियों में काम करते समय वह अपने आप को सुरक्षित महसूस करें। उन्होंने सभी लोगों से आह्वान करते हुए कहा कि सभी मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग के साथ साथ वैक्सीन जरूर लगवाएं, यह पूरी तरह सुरक्षित है। हरियाणा सरकार की फ्रंट वॉरियर्स मीडिया कर्मियों के लिए आज कैंप लगाया गया है। इसके लिए मैं पानीपत प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग और DPRO का धन्यवाद करता हूँ कि जिन्होंने पानीपत के सभी मीडिया कर्मियों का और उनके परिवार का वैक्सीनेशन किया और उनको कम से कम इस और लोगों को भी जाके जागरूक करेंगे कि वैक्सीनेशन सुरक्षित है, इसे लगाएं ताकि भविष्य में किसी प्रकार के कोरोना संक्रमित जैसी बीमारियों से बचा जा सके। लोगों के लिए इतना कहेंगे, जिस तरह से आज यहाँ राधा स्वामी सत्संग के अंदर वैक्सीनेशन लग रही है तो ये एक किस्म से मीडिया कर्मी परिवार भी और सभी उनके फैमिली के मेंबर आए हैं, लोग भी इससे जागरूक होंगे। जो लोग अभी भी दुविधा में हैं कि वैक्सीनेशन करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, उन लोगों को मैं कहना चाहूँगा वैक्सीनेशन सुरक्षित है, कुछ भी इससे डरने की जरूरत नहीं, आए और वैक्सीन लगाएं और अपने आप को और अपने परिवार को सुरक्षित रखें। पानीपत से सनी कथूरिया की रिपोर्ट।